टॉपिक नंबर सेवन पॉइंट सिक्स विच इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज इन आर प्रीवियस लेक्चर डिस्कशन अबाउट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम फ्यूज एन ए सी एल जिसमें हमने पढ़ा इन डिटेल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डाउनज सेल हमने देखा कि डाउन सेल किस तरह से डिजाइन किया गया है टू गेट सोडियम मेटल और डाउन सेल में एनोड और कैथोड पे कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ना है मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम ब्राइन अगर हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड की सो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहा जाता है और ब्राइन होता है सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड वैन ऐसे सोल्यूशन तो ये होगा एक्वस सोल्यूशन तो ये हुआ एक्वा सोल्यूशन लेकिन सोडियम क्लोराइड का सिर्फ और सिर्फ ब्राइन ही सोल्यूशन नहीं होता इसके लिए एक और टर्म भी यूज की जाती है विच इज सलाइन सॉल्यूशन अगर हम ब्राइन और सलाइन का कंपैरिजन करें सो ब्राइन मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन और सलाइन एज कंपेयर टू ब्राइन होगा डायल्यूट सोल्यूशन यानी कि अगर हम कह रहे हैं के सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनाया है वाटर में लेकिन सोडियम क्लोराइड की अमाउंट बहुत ज़्यादा है उसमें सो so, उस सोल्यूशन को हम कहेंगे ब्राइन सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड हम जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और वो एज ए इलेक्ट्रोराइड भी बिहेव नहीं करता सो सोडियम इन सोल्यूशन फॉर्म और मोल्टन फॉर्म ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है डाउनस सेल में हमने देखा था कि देर वॉज फ्यूज सोडियम क्लोराइड यूज और इन नेल्सन सेल वी आर गोइंग टू यूज एक्वस सोडियम क्लोराइड अब ये प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ये होता है एक खास किस्म के इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रोलिटिक सेल यानी कि एक ऐसा सेल जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी की मदद से केमिकल रिएक्शन को इंड्यूस कराएंगे और ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल का नाम है नेल्सन सेल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है फॉर इलेक्ट्रोलिटिक सेल हम जानते हैं कि दो तरह से हो सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक या फिर गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक सेल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं विच वॉज डाउन सेल और आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ना है नेलसन सेल सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद इट्स कंस्ट्रक्शन आपको आपकी स्क्रीन पे जो डायग्राम नजर आ रहा है दिस इज बेसिकली नेल्सन्स सेल और ये देखने में काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है मगर ये इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं एज वी नो दैट सेल मतलब ही होता है कंपार्टमेंट तो आपको ये एक कंपार्टमेंट की तरह का कुछ दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बाहर ये जो कवरिंग है इसका आउटर जैकेट इसको हम कहते हैं स्टील टैंक और इस स्टील टैंक के अंदर मुख्तलिफ चीजें प्लेस की गई हैं अगर हम बात करें एनोड की तो वो सेंटर में यू शेप की फॉर्म में आपको दिखाई देगा ओवर हेयर दिस इज एनोड दिस होल थिंग इज एनोड और अगर एनोड है यहां तो यहां पे कैथोड भी होगा लेकिन पहले देखते हैं कि एनोड किस चीज का बना होता है एनोड बना होता है कार्बन का और कार्बन में भी कार्बन की जिस फॉर्म का उसे कहते हैं ग्रेफाइट सो ग्रेफाइट का बना हुआ एनोड होगा और एनोड कनेक्टेड होगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से यू कैन सी दैट दिस इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी अगर बात करें हम कैथोड की तो हेयर कैथोड इज मेड अप ऑफ आयरन और कैथोड होता है परफोरेटेड ओवर हेयर दिस इज कैथोड और कैथोड बना है आयरन का

कलेक्ट होगा ये एक तरह का आपका एज कलेक्टिंग वेसल भी काम करेगा नाउ यहां जो कैथोड है इसकी इंटरनल लाइनिंग ये होती है एसबेस्टॉस से इट इज लाइंड विद एसबेस्टॉस डायाफ्राम। तो इसकी इंटरनल लाइनिंग को हम कहेंगे डायाफ्राम। अब सवाल यह है कि आखिर ये एसबेस्टॉस का क्यों है basically, एक semi -permeable paper है. है मतलब वो कुछ को तो करता है पास करना लेकिन कुछ को ये पास करना अलाउ नहीं करेगा तो यहां जितने भी आइन्स होंगे उसमें सिलेक्टिव आइंस ही ड्रिप करके नीचे कैच बेसिन में कलेक्ट होंगे और अगर आप देखें इस लिक्विड की तरफ बेसिकली so यहां हमने ऐड करना है हमारा ब्राइन and we know what is brine brine is the concentrated aqueous solution of NaCl ab yahan jo aapko drops dikhai de rahe hain basically ye drops honge NaOH ke yani ke sodium hydroxide ke और जब हम इसकी working को discuss करेंगे तब हमें समझ आएगी कि आखिर ये drops कैसे बनेंगे From here chlorine गैस इज कमिंग आउट सो ये है आउटलेट फॉर क्लोरीन गैस एंड दिस इज गोइंग टू बी आउटलेट फॉर हाइड्रोजन गैस और चूंकि ये ड्रॉप्स एनएओएच के गिर रहे थे सो ये ड्रॉप्स जब नीचे आके आपको एक लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे तो हम इसे कहेंगे दिस इज एन एच सोल्यूशन अब ये सारी लेबलिंग है नेलसेंस सेल की एंड दिस इज सेल फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ एन ए ओ एच सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कास्टिक सोडा अब ये सेल किस तरह से वर्क करेगा एनोड पे कौन से रिएक्शंस होंगे कैथोड पे कौन से रिएक्शंस होंगे इससे हम समझते हैं और डिस्कस करते हैं इसकी वर्किंग में सो स्टूडेंट्स वर्किंग को समझने के लिए एक क्विक रिविजन करते हैं हम हमारे कंस्ट्रक्शन की अगर आप कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हम जानते हैं कि देर आर टू इलेक्ट्रॉल्स और दोनों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉड हैं इन कॉन्टेक्ट विद ए सोल्यूशन और वो सोल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट ओवर हेयर इज सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड का ब्राइन सोल्यूशन हम यहां यूज करते हैं So, अगर हम देखें कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट क्या है सो so, इलेक्ट्रोलाइट इज ब्राइन और ब्राइन के अंदर दो चीजें हैं वन इज वाटर एंड अदर इज सोडियम क्लोराइड वाटर का फॉर्मूला है H2O और सोडियम क्लोराइड का फार्मूला है NaCl। अब जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो वॉटर इज गोइंग टू गिव अस टू टाइप ऑफ आइंस हाइड्रोजन आइन एंड हाइड्रोऑक्साइड आइन और अगर हम बात करते हैं NaCl की तो उससे भी हमें मिलेंगे दो तरह के आइन्स सोडियम आइन और क्लोराइड आइंस so, कह सकते हैं कि एक्व सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कंसिस्ट ऑफ सोडियम आइन क्लोराइड आइन हाइड्रोजन आइन एंड हाइड्रो ऑक्साइड आइन्स अब आप देख सकते हैं कि दो मुख्तलि तरह के आइन्स हैं चार्ज आइंस और नेगेटिव चार्ज आइंस सो आइन्स हैव टू मूव टू द आइन्स विल मूव टू रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉड हमारे पास दो इलेक्ट्रॉड है एनोड एंड कैथोड एनोड कनेक्ट है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और कैथोड कनेक्टेड है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एनोड पर जाएंगे माइनस चार्ज वाले आइंस और कैथोड पे जाएंगे प्लस चार्ज वाले आइंस हाइड्रोजन पे भी प्लस चार्ज है तो वो भी कैथोड की तरफ मूव करेगा अब होगा क्या जब ये आइंस जाएंगे अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे तो इलेक्ट्रोड्स पे दो काम होंगे या तो होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन और या होगा रिडक्शन रिएक्शन एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा और दूसरे पे होगा रिडक्शन रिएक्शन यानी कि ओवरऑल हमारे सेल के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होगा सो व्हेन इलेक्ट्रोलाइसिस विल टेक प्लेस बेसिकली जो क्लोराइड है वो जाएंगे एनोड पे और जब क्लोराइड आयंस एनोड पे जाते हैं तो दे आर गोइंग टू टर्न इन टू क्लोरीन गैस सी एल टू और क्लोरीन गैस बाहर निकलेगी थ्रू अ पाइप हमने लेबलिंग में देखा कि इसका एग्जिट पॉइंट कहाँ है सी एल टू गैस का आउटलेट कहाँ है इसी तरह जब हाइड्रोजन आइन यह जाएगा कैथोड पे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एच टू गैस में और ये दोनों गैसेस जो हैं ये स्केप कर जाएंगे हम इन दोनों गैसेस को कलेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन जो एन ए और ओ एच है दे आर गोइंग टू कंबाइन टूगेदर और ये ड्रिप करेंगे हमारे नीचे वाले सोल्यूशन में यानी कि कैच बेसिन के अंदर और एन ए और ओ एच ये दोनों मिलकर बनाएंगे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और ये रिएक्शन होगा एट कैथोड चलिए इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन एट एनोड एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन एट कैथोड सो रिएक्शन एट एनोड लेकिन उससे भी पहले चलिए लिखते हैं इक्वेशन जिसमें हम देखते हैं कि हाउ ब्राइन आयोनाइजेस फॉर्म आइन्स सो ब्राइन में है एन ए सी एल सो एन ए सी एल एक्व सोल्यूशन की फॉर्म में है सो एनए सी एल इज गोइंग टू गिव यू एन ए प्लस एंड सी एल माइनस और ये दोनों आइन्स भी बनेंगे उसके एक्वस सोल्यूशन के अंदर नउ लेट सी वॉट हैपन्स एट ए नोड आपको अब तक याद हो गया होगा कि एट एनोड से आपने याद रखना है कि एन ऑक्स एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन और एनोड चूंकि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट है तो एनोड पे आएंगे नेगेटिव चार्ज आइंस जो कि है सी एल माइनस सो यही सी एल माइनस आएगा एनोड पे और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है सो इट इज गोइंग टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन और ये कन्वर्ट हो जाएगा सी एल टू के अंदर और साथ ही साथ दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे और ये सी एल टू होगी गैस जो के हम बाहर कलेक्ट भी कर सकते हैं Now, एनोड पे जब ये रिएक्शन होगा तो ऑफकोर्स ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करेंगे कैथोड। और यहाँ एक और बात आपको याद होनी चाहिए कि यहां हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो एनोड पे हो रही है ऑक्सीडेशन ट इज हैथोड आपको याद होगा कि कैथोड है कनेक्टेड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से सो so कैथोड पे पॉजिटिवली चार्ज आइंस आएंगे पॉजिटिवली चार्ज आइन्स में वेन हाइड्रोजन विल कम तो वो कन्वर्ट हो जाएगी हाइड्रोजन गैस में और हाइड्रोजन गैस भी बाहर की तरफ निकलेगी और इसका भी एक आउटलेट है हमारे इस डायग्राम में एंड एज यू कैन सी देर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है यहां हो रही है रिडक्शन। और ये बेसिकली यही दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो के क्लोराइड आइन ने रिलीज किए हैं तो दिस इज इज हैपनिंग एट कैथोड इसके अलावा कैथोड पे एक और आइन ट्रेवल करेगा विच इज एनए प्लस आईन और जब एन ए प्लस आईन आएगा तो ये रिएक्ट करेगा विद ओ एच माइनस और इससे बनेगा एन ए ओ एच सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसका बनेगा एक्सोल्यूशन अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली उस डायाफ्राम से उस परफोरेटेड डायाफ्राम से नीचे की तरफ ड्रॉप बाय ड्रॉप मूव करेगा और फिर ये कैच बेसिन में इन फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कलेक्ट हो जाएगा अब यहां आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाई वी यूज लाइनिंग ऑफ एसबेस्टॉस तो एसबेस्टॉस हम इसलिए यूज करते हैं कि वो सिलेक्टिव आइन्स को पास करने देता है तो यानी कि सिर्फ सिलेक्टिव चीजें दे विल ड्रॉप डाउन और रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल स्टे अप अब देखते हैं कि आखिर इसका ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगा सो लेट्स राइट ओवरऑल रिएक्शन फॉर दिस एंड इन ओवरऑल रिएक्शन बेसिकली टू एन ए सी दे कंबाइन विद टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, क्योंकि ये एक्वा सोल्यूशन था उससे बनी दो गैसेस H2 टू और टू और साथ ही साथ हमें मिला एन एच अगर हम इनके स्टेट सिंबल्स की बात करें तो एन ए सी एल एक्स फॉर्म में वाटर लिक्विड फॉर्म में एक्वस मतलब सोल्यूशन है वो पानी का हाइड्रोजन गैस निकल आएगी बाहर क्लोरीन भी गैस ये भी बाहर की तरफ एंड एन ए ओ एच ये चूंकि सोल्यूशन फॉर्म में है तो ये एक्वस होगा अगर आप इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे सो यू नीड टू पुट टू ओवर हेयर एज वेल So, आपने देखा कि कैसे हम सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे और उससे हमें मिलेगा NaOH, एओ विच इज सोडियम हाइड्रोऑक्साइड और कॉस्टिक सोडा और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कमर्शियल स्केल पे यूज कर सकते हैं ये थी वर्किंग ऑफ नेल्स सेल अब अगर आप यहां एक और इक्वेशन की एडिशन करना चाहें जहां हमने देखा था कि स्टार्ट पे आयोनाइजेशन हो रही है ब्राइन की तो यहां पे एन के साथ साथ वाटर की भी आयोनाइजेशन होती है आप उसे भी शो कर सकते हैं और वाटर की आयोनाइजेशन से हमें मिलता है H प्लस और OH एच माइनस आपको याद होगा कि प्योर फॉर्म में वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता वो इतनी आसानी से आयोनाइज नहीं होता लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वाटर भी आयोनाइज होता है और इस रिएक्शन में आगे आगे इसके आइन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं सो आई होप कि अगर आपको इन लॉन्ग क्वेश्चन वर्किंग या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ नेल्सन सेल पे क्वेश्चन आएगा सो यू वुड बी एबल टू आंसर इट इफेक्टिवली एंड आई विल सजेस्ट यू कि आप सोडियम हाइड्रो के इंडस्ट्रियल स्केल के बेनिफिट्स को जरूर लर्न कर लें सो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि हम एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रो को कैसे बना सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ नेल्सन सेल हमने नेल्सन सेल की कंस्ट्रक्शन उसकी लेबलिंग और उसकी वर्किंग को डिटेल से समझा है मुझे उम्मीद है कि इन रिएक्शंस को लिखने में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी So see you all in next lecture. Until then, Allah Hafiz.